तो तमाम जानकारी देते हुए और आपको बताएं कि विधायकों को बिठाया जा रहा है बसों में और कांग्रेस विधायकों की शिफ्टिंग का ये प्रकरण लगातार इस खबर पर हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और अब आपको बताएं 95 विधायक होंगे जैसलमेर के लिए रवाना। जैसलमेर से ये बड़ी खबर, कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी जैसलमेर में, विधायक संघ मुख्यमंत्री आ सकते हैं जैसलमेर। कांग्रेस विधायकों को जैसलमेर लाने के बाद हरकत में आया प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया होटल सूर्यागढ़ का जायजा। लेकिन देखिए जो कंफ्यूजन है वो जरूर थोड़ा सा था कि आखिर कहां ले जाया जाएगा, लेकिन अब यह खबर सामने है कि हरकत में प्रशासन आ चुका है और होटल में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल आधिकारिक सूचना नहीं है लेकिन बाड़ेबंदी अब दूसरी जगह होगी ये तय है, क्योंकि तैयारियां जो है उसको अंतिम रूप अब दिया जा रहा है। और यहां पर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश की सियासत के बीच अब सीमावर्ती जिले जैसलमेर में भी प्रमुख केंद्र बनने वाला है। विधायकों की बाड़ाबंदी की सूचना के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और जैसलमेर के सूर्यागढ़ होटल में तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद हो चुका है। हम इस समय खड़े हैं जैसलमेर के सूर्यागढ़ होटल में। आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियाँ हैं वो पूर्ण रूप से हैं, वो शुरू कर गई है। लंबे समय से होटल लॉकडाउन के कारण बंद थी लेकिन फिर से लॉकडाउन के कारण फिर से सफाई व्यवस्था है वो सुचारू कर दी है। हालाँकि जिला कलेक्टर और एसपी ने यहाँ का जायजा लिया है, तमाम तरह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, तमाम तरह से रूट मैप है वो भी तैयार किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर यहाँ की तमाम जो व्यवस्था है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है, यहाँ पर सड़कों पर बैरिकेडिंग भी की जा रही है, पुलिस के जो जवान हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं। क्योंकि विधायकों को लेकर जैसलमेर लाने की जो कल से भी है वो हलचल है वो तेज हो चुकी है और इसको लेकर जिस तरीके से जैसलमेर में होटल सूर्यागढ़ को चुना गया है, क्योंकि जैसलमेर में कई होटलें हैं जो ज़्यादा 100 कमरों की नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा जो लग्जरी जो होटल है 5 स्टार होटल है वो होटल सूर्यागढ़ी है। तमाम तरीके से व्यवस्था है वहाँ पर, ये जो अंजाम है वो दिया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासनिक अधिकारी इस बारे में पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी संभावना जताया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें अलर्ट रहने के लिए कहा है इसलिए हम तैयारियाँ कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो प्रदेश की सियासत का जो प्रमुख केंद्र है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर बनने जा रहा है। जिस तरीके से तेज गर्मी उफनती गर्मी पड़ रही है तो अब तेज गर्मियां हैं वो तेज होना है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कई दिनों से जो राजस्थान में सियासत की गर्मी है वो लगातार जारी है, अब सियासत की गर्मी है वो जैसलमेर में आएगी। और विधायकों को जिस तरीके से लाने की सूचना पर है, जैसलमेर एयरपोर्ट को भी अलर्ट कर दिया गया है, एयरपोर्ट को लेकर प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी पूर्ण रूप से मुस्तैद हैं और तमाम तरीके जो तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही है। कुल मिलाकर अगर जो कब इसमें जो लाने नहीं ले जाने का सूचना पर अल्पविराम लगता है, लेकिन हालांकि जिस तरीके से प्रशासन है वो पूर्ण रूप से मुस्तैद है और पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा है। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर।